प्रकृति ने हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारा गिफ्ट दिए हैं। सिल्क वर्म उनमें से एक है। सिल्क वर्म ज़्यादातर वाइल्ड में ग्रो होते हैं। साल, अर्जुन, आसान, ये सब पेड़ में अपना जीवन चक्र संपूर्ण करते हैं। तसर सिल्क वर्म के कोकून से बनाए जाते हैं महंगे से महंगे साड़ियाँ, लग्जरियस सिल्क फैब्रिक्स और बहुत कुछ। ये एक लंबा सा प्रोसेस है। मादा मौथ पत्तों में अंडे देने के बाद, अंडे से जो कैटरपिलर निकलते हैं वो 40 से 50 दिन पत्ते खाने के बाद कुकून बनाते हैं प्यूपा स्टेज में पहुंचने के लिए। ये कुकून यानी फिलामेंट एक फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है जो सिल्क वर्म के सर के दो सेलुलर ग्लैंड से निकलते हैं और वो अपने शरीर से एक चिपचिपा चीज़ निकालते हैं जिसको बोलते हैं सिरसिन। ये कुकून को सीमेंट की तरह मजबूत बना देता है। 21 दिन बाद प्यूपा मौत बनते हैं और वो फिर से ब्रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कुकून से 1000 मीटर सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क मिलते हैं जो कि एक चमत्कार है। तसर सिल्क प्रोडक्शन एक परंपरागत काम है जो एक अच्छा जीवन जीविका का स्रोत भी है। 1978 साल में सेरिकल्चर यानी सिल्क प्रोडक्शन दुनिया में सुर्खियां बटोरी और काफ़ी बड़ी पैमाने में इसका खेती होने लगा। भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पैमाने में इसका खेती होने लगा। इसकी खेती करने के लिए सबसे बढ़िया रूप से अर्जुन के प्लांट को चुना गया। अर्जुन का बाग लगाकर हर साल प्रूनिंग करके उसमें सिल्क प्रोडक्शन करने का विचार आया। सबसे पहले अर्जुन का बाग को अच्छे से प्रूनिंग करके तैयार किया जाता है ताकि अगले साल सिल्क वर्म अच्छे से उनकी पत्तियां खा सके। अंडे को हैच करने के बाद पत्तों में छोड़ दिया जाता है। हैचिंग के बाद कैटरपिलर पीला बादामी रंग का दिखता है जो कि 48 घंटों बाद हरा रंग में तब्दील हो जाता है। हमें कभी कभी नीला पीला रंग का भी कैटरपिलर देखने को मिलता है। कैटरपिलर पत्ता खाते रहता है और वो थकते नहीं। इस समय वो दिन में खाली कुछ घंटे ही आराम करते हैं। सिल्क वर्म को भरास जनित बीमारी लगती है। इस समय हमें समय समय पर बीमार कीड़ों को अलग करते रहना है। सिल्क वर्म का सबसे बड़ा शत्रु है पंछी। पंछी ज़्यादातर इन्हें उड़ा ले जाते हैं और खा लेते हैं। पंछियों से बचाने के लिए ज़्यादातर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। वो पेड़ के ऊपर मच्छरदानी से घेरा लगा देते हैं ताकि पंछियाँ ना घुस सके। सिल्क वर्म का कैटरपिलर इतना ज़्यादा पत्ता खाता है कि एक महीने के बाद पेड़ों में पत्ता ही नहीं बचता। तब उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ में स्थानांतर करना पड़ता है। स्थानांतर यानी माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे कीट मर जाते हैं। तब किसान को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। चालीस से पचास दिन के समय में सिल्क वर्म काफ़ी मोटा हो जाता है और तब वो कुकून बनाना स्टार्ट करता है। एक कुकून बनने में 7 से 10 घंटे की टाइम लग जाता है। कुकून बनने के बाद सख्त होने में 2-4 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। कुकून को कलेक्ट करने के बाद अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और कुछ दिन बाद गर्म पानी में उबालकर वो फैब्रिक्स निकालने के लिए तैयार हो जाता है। पानी में उबालने के बाद ये कुकून फैक्ट्री में फिलामेंट निकालने के लिए तैयार हो जाता है। फैक्ट्री में 5 फिलामेंट को जोड़कर एक धागा बनाया जाता है जिनसे बंडिल बनता है। वो धागा कपड़ा बनाने के लिए उत्तम होता है। कपड़े हाथ से या मशीन से दोनों तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद उसमें दिया जाता है मनपसंद तरीके का डिज़ाइन जो मार्केट में हजारों लाखों में बिकते हैं। तसर सिल्क वर्म प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है जो हमारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं। तो हम क्यों ना इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने जीवन जीविका में इसका लाभ उठाएं।